देश भर में होली के पर्व की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई, जिससे 7 और 8 मार्च को होली के पावन पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इसको लेकर शहर में गुलाल और रंग फैक्ट्रियों को बड़ी मात्रा में अबीर और गुलाल तैयार करने के लिए कहा गया। बड़ी मात्रा में तैयार भी किया जा रहा है। फैक्ट्री में इस बार फूलों से ये अबीर तैयार किया जा रहा है। अबीर के बाजार में ज्यादा डिमांड है, जिसे पूरा करने के लिए अबीर बनाने वाले फैक्ट्री कर्मी तेजी से काम में जुट गए हैं। फैक्ट्री कर्मी की माने तो उनका कहना है, अरारोट और फूलों को मिलाकर उनके द्वारा अबीर गुलाल तैयार किया जाता है, ताकि इसे लगाने के बाद किसी को कोई नुकसान ना हो। बाजारों में होली के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हैं। बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियां जगह जगह साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लोग भी अभी से बाजारों में पहुंचकर होली की खरीदारी करते नजर आते हैं। होली का पर्व एकता भाईचारे को बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसे में आप सभी से अपील है, फूलों से बने हुए रंग गुलाल का इस्तेमाल करें, ताकि रंगों के इस महापर्व को अच्छे से मनाया जा सके। देश में होली का पर्व आ गया है। 7 और 8 तारीख को होली मनाई जाएगी। हिंदुस्तान में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम कानपुर में खड़े हैं। दैनिक भास्कर की टीम कानपुर में आई और यहाँ चेक करेगी कि कैसे यहाँ गुलाल बनाए जाते हैं और यहाँ कैसे निर्माण कराया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, भारी मात्रा में जो गुलाल बन रहे हैं, ये काफ़ी नेचुरल और अच्छे आरारोट से और कुछ धातु ये मिलाते हैं। ये फैक्ट्री के मालिक, हम इनसे बात करेंगे, वो बताएंगे हमको कि यहाँ क्या मिलाते हैं और किस चीज़ का उपयोग करता है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। क्या नाम है आपका? प्रमोद जायसवाल। प्रमोद जी, कितने सालों से आप ये गुलाल बना रहे हैं यहाँ पे? हम गुलाल बना रहे हैं कम से कम 7-8 साल से बना रहे हैं। कैसे गुलाल बनाते हैं आप, क्या क्या मिलाते हैं गुलाल में आप? इसमें आरा रोड और फूलों का जो रस होता है आरा रोड में मिलाकर जो है, और हाथों से मिलाकर इसको मशीन में डाला जाता है। कितने सालों से आप ये व्यापार कर रहे हैं, कब से बना रहे हैं गुलाल? हम गुलाल 7-8 साल से बना रहे हैं। अच्छा, कितनी कानपुर में कितने रंग की डिमांड रहती है, कितना व्यापार करते हैं आप इससे? यहाँ से हम एक दिन में 800-900-1000 किलो, मतलब 1 टन एक दिन में माल बेचते हैं। इस बार जो महंगाई बढ़ी है, उसमें क्या व्यापार पे आपका असर पड़ा है? हर साल से अब की साल मतलब गुलाल महंगा भी है और अब की साल गुलाल की डिमांड कम है। ये थे हमारे साथ फैक्ट्री मालिक, जिन्होंने बताया इस बार महंगाई को लेके गुलाल में काफ़ी मात्रा में उछाल आया है, और इन्होंने बताया कि कैसे नेचुरल कलर का यूज़ करके फूलों के रस के साथ गुलाल बनाया जाता है। दैनिक भास्कर की एक मुहिम है, आप भी अच्छे से होली खेलें और सेफ्टी के साथ खेलें। कानपुर से स्वर्णिम चतुर्वेदी, दैनिक भास्कर के लिए।